हेलो फ्रेंड, प्रेमदास किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे से मीठे शक्करपारे कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूं। मीठे शक्करपारे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप चीनी, 1/2 कप गर्म पानी, 1/2 कप रिफाइंड ऑयल की जगह पर आप देसी घी भी 1/2 कप ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून सूजी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। नमक से शक्करपारे का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब हम एक बाउल में चीनी को डाल देंगे, उसके बाद हम गर्म पानी डालेंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे। चीनी अपने आप मेल्ट हो जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं, चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमने आटे को एक थाली में ले लिया है, उसके बाद हम इलायची पाउडर, नमक, सूजी, उसके बाद हम होल बनाकर रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। ऑयल गर्म करने से मतलब हमारा शक्करपारे बहुत ही खस्ता बनते हैं। अब हम चीनी का पानी डालते हुए एक डो तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे पानी डालना है। आटा हमारा लग चुका है। आटा हमारा कुछ इस तरह से होना चाहिए। आटे को हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम आटे को ढककर 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और फ्रेंड्स, हमने जो चीनी का पानी बनाया था वो भी हमारा पूरा लग चुका है। 20 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम चॉपिंग बोर्ड पर आटे को रखकर एक बार अच्छे से इस तरह से फिर से गूंद लेंगे। आटा हमारा शक्करपारे के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह से एक लोई निकाल लेंगे, बाकी आटे को हटा देंगे और इस तरह से गोला बना लेंगे। लोई को हमने अच्छे से गोल बना लिया है। अब इसे हम बेलेंगे। शक्करपारे बनाने के लिए हमें थोड़े मोटे ही बेलना है। इस तरह से हमने बेल लिया है, इतना मोटा हमें बेलना है। अब हम मनचाहे आकार के कटर से सेब काट लेंगे। एक तरफ से काटने के बाद अब हम इस तरह से कटिंग करेंगे। दूसरी तरफ से काटने के बाद हम एक्स्ट्रा ये हटा देंगे, इसको वापस हम दूसरी बार काम ले लेंगे और शक्करपारे को हम एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी शक्करपारे भी बेलकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारे शक्करपारे होने चाहिए। इस तरह से हमने शक्करपारे के आटे से सभी शक्करपारे बनाकर हमने तैयार कर लिए। गैस को ऑन करके हमने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इस तरह से गर्म करना है। गैस की फ्लेम हमें स्लो कर देनी है और उसके बाद हम शक्करपारे डालेंगे। ऑयल में हमें शक्करपारे डालने के बाद शक्करपारे को हमें हिलाना नहीं है। 1 मिनट के बाद हमें इस तरह से ऑयल डालते हुए शक्करपारे को हल्के हाथ से हिलाना है। 1 मिनट के बाद हमें हल्के हाथों से शक्करपारे को इस तरह से पलट देना है। शक्करपारे को हमें एकदम लाइट ब्राउन कलर का करना है। शक्करपारे हमारे हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे।
ताकि हमारा एक्स्ट्रा तेल भी सब निकल जाए और हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो बाकी शक्कर पारे भी हम इस तरह से तल लेंगे। फ्रेंड्स, मीठे शक्कर पारे रेडी है। शक्कर पारे को आप ठंडे होने के बाद सर्व करें या इंजॉय करें। ठंडे होने पर ही ये बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। ध्यान रहे, शक्कर पारे बनाते समय गैस की फ्लेम कम ही रखें ताकि अंदर तक सिकाई हो सके। इसे बनाकर आप अपने अनुभव प्रेमरताज किचन में जरूर शेयर करें। मेरी रेसिपी के सफर में साथ चलने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।